चंगी तरह साफ करी है, चमकाना है इसको, देखना मिट्टी शिट्टी सारी साफ हो जाए। और स्विमिंग पूल जो है ना उसको भी साफ करना है, वो पत्ते शत्ते निकाल देना। बड़े साहब जी नाराज हो रहे थे मेरे साथ, एक तो मैं इस घर से चली जाऊँ ना तो कोई काम ही नहीं सही होता। नसरीन आपा वेखी कोई मिट्टी शिट्टी ना रह जाए, हैं सही तरह साफ करा डाल अपने चीजों का। सलाम अलैकुम बेगम साहब जी। आप कब आई? मैं जी बस हुने थोड़ी देर पहले ही आई। तो आप आते ही काम में लगी, कुछ देर आराम तो कर लेती। वो जी फिक्र हो रही थी ना, बगैर बताए जो चली गई थी, बड़े साहब जी से डर लग रहा था। नहीं साहब तो बिल्कुल ठीक है, आप रोशनी की बताइए। उस बेचारी का क्या बताऊं जी, बहुत कमज़ोर है, अखा नहीं खुल रही ऐसी। वो पता नहीं डॉक्टर साहब ना छोटे साहब जी के साथ अंग्रेजी में कोई बात कर रहे थे, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। वो तो रयान आएगा, मैं उससे पूछ लूँगी फिर। मैं तो जी छोटे साहब जी को सारी रात दुआएं देती रही कि इस औखे वेले हमारे कितना काम आए हैं, रब सोना इस नेकी का अजर दे उनको। तो रयान ने कोई एहसान तो नहीं किया? रोशनी उसके सगे चचा की बेटी है और आप तो जानती हैं कि बचपन से वो कितना करीब रहा है रोशनी के, और वैसे भी उनकी तो बहुत दोस्ती है आपस में। हाँ जी वो आपकी बात तो ठीक है। ठीक क्या है, हैसियत बदलने से रिश्ते तो नहीं बदल जाते। मुझे तो खुशी इस बात की है कि उसने अपने रिश्ते का मान रखा। सलाम अलैकुम बीबी जी। आपका भाई? हुने थोड़ी देर पहले जी। मामा कहाँ है? वो जी रोशनी पुत्र को देखने के लिए ना सब लोग गए हैं छोटे साहब जी के साथ। क्यों? रोशनी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, जो सब भाग भाग के जा रहे हैं उसे देखने के लिए। रानिया होश में रहो तुम। देखा अभय जी, मैं आपसे कहती थी ना कि उम्र का इंतखाब रोशनी के लिए सबसे बेस्ट है। देखा कैसे भागा भागा चला आया। हाँ भाई, उम्र को रोशनी के लिए परेशान देख के मुझे तो एक अजीब सा इत्मीनान हुआ। मैं तो हैरान हूँ अब्बा जी उसके पागलपन पर, वो सब कुछ छोड़ छोड़ा कर आ गया, वरना उम्र तो अपने काम में बहुत क्रेजी है। हाँ बड़ा इत्मीनान हुआ मुझे, वरना मैं तो घबराया रहता था कि कहीं मुझसे बच्ची के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो गई। अब्बा जी अब आपने अपने दिल से ये वहम निकाल दे, माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो दोनों बहुत खुश हैं। हाँ वो तो ठीक है, बस खदीजा की तरफ से फिक्र रहती है। खदीजा को तो वावेला मचाने की आदत है, इसीलिए रोशनी ने अपनी माँ से मिलना छोड़ दिया है। और वैसे भी अब्बा जी अब आपको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपका खून आपकी आंखों के सामने है, और आपको क्या चाहिए, और खदीजा से हमारा वास्ता भी क्या है। अरे क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक है? सॉरी कहीं खो गया था। रात को नींद पूरी नहीं हुई ना इसलिए। चलो अब तुम्हें जागने की जरूरत नहीं है, रोशनी का ख्याल रखने के लिए उम्र आ गया है। अब तब घर जाओ तो आराम करो। जी दादा। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है मुमानी जान? मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें ये बात किसी के लिए भी नहीं कहनी चाहिए। रोशनी के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? इसलिए कि वो इस खानदान का खून है, और हमदर्दी नहीं वो तो मोहब्बत के काबिल है। लेकिन अब वो हमारे खानदानी नौकर की बीवी है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी टुकड़ों पर पलते हैं। यही तो फर्क है तुम दोनों में, तुम्हें बड़ों का लिहाज नहीं, और रोशनी रोशनी बड़ों का कहना ना मानने को गुनाह समझती है। मुझे रोशनी के साथ कंपेयर करने की कोई खास वजह है मुमानी जान? तुम दोनों का मुकाबला है ही क्या, रोशनी एक बावकार और तहजीब याफ्ता लड़की है। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं बदतमीज हूँ, बड़ों की नाफरमानी करती हूँ? नहीं मुझे जरा काम।
पता नहीं आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं मुमानी जान। मेरे डैडी नहीं है, आपके दर पे पड़ी हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसका जो दिल चाहेगा मुझे बोलता रहेगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम यू रिएक्ट कर रही हो? और क्या बाकी रह गया कहना, इतनी जिल्लतों की आपने मेरी, अब बस हाथ से पकड़ के घर से निकालना बाकी रह गया, वो भी निकाल दे। क्या फजूल बोले चली जा रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बस कर दे मुमानी जान, इतनी नफरत। मामा मुझे ले जाए यहाँ से, मुझे ले जाए प्लीज, मुझे अब मुझे एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहना। रानिया मेरी जान, हुआ क्या आखिर? मामा ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। तो आपको खुशी से ठीक हो जाना चाहिए रोशनी जी। क्यों, अब ऐसी क्या खास बात हो गई? वो बड़े बाप खुद आपकी इयादत करने आए थे। वो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए आए थे उमर। ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए, आखिर आप उनकी पोती हैं। मैं सिर्फ वजाहत अली की बेटी हूँ और उन्हीं के लिए कुर्बान हुई हूं। बेहतर होगा तुम ये ना भूलो। मैं जानता हूं आपके साथ जाती हुई है, लेकिन अगर सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे हो तो बेहतर है कि अब भी खामोशी रहो। मेरी जात पर उनके बहुत एहसानात हैं, मैं चाहकर भी जुर्रत नहीं कर सकता उनके सामने बोलने की। तो बस फिर मुझसे हमदर्दी करके मेरे जख्म मत कुरेदा करो, मुझे अजियत होती है। मेरे मना करने के बावजूद क्यों आए हो यहां पर? भाई मैं क्या करता, बात ही कुछ ऐसी थी। झूठ मत बोलो, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा फिर क्यों आए हो? रेहान भाई मुझे लगा शायद रोशनी को मेरी जरूरत है। मेरे होते हुए उसे तुम्हारी जरूरत कभी नहीं पड़ सकती, और किसी गलत फहमी में मत रहो तुम। रेहान भाई वो मेरी बीवी है, मेरे निकाम है। जबरदस्ती और धोखे में किए जाने वाले रिश्ते को मैं नहीं मानता, और किसी खुशफहमी में मत रहो तुम, समझे भाई? लेकिन जाओ यहां से, और जब तक मैं ना कहूं तुम वापस नहीं आओगे, सुन लिया? अगर रोशनी बीबी ने बुलाया तो फिर क्या? उसे मैं संभाल लूंगा, सुना? इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और कहूं, निकल जाओ यहां से। रानिया बस भी करो बेटा, कब से तुम रोए चले जा रही हो? और क्या करूं मामा, मुमानी ने इतनी बातें सुनाई है मुझे, पता नहीं इतनी नफरत क्यों करती है वो मेरे साथ। मैं आपको बता रही हूं मामा, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अरे
बेटा हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो, आयशा ऐसा क्यों करेगी भला? अबा जी रानिया क्यों झूठ बोलने लगी? आयशा तो रानिया को कुछ ना कुछ कहती रहती है और उस दिन तो हद ही कर दी उसने, रानिया पे हाथ उठाया, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। क्या आयशा ने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया? अबा जी शायद अब उसे ये डर है कि कहीं आप अपनी जायदाद में से कुछ ना कुछ हिस्सा रानिया के नाम ना कर दे। भाई मेरी जायदाद में जिसका जो हिस्सा बनता है उसको मिलेगा, इसमें किसी को एतराज करने की क्या जरूरत है? अभी जान आप मुझे मेरे डैडी के घर भेज दे, मैं अपनी सुतेली माँ का जुल्म सह लूंगी, लेकिन यहाँ रह के अपनी रोज रोज इंसल्ट नहीं करवा सकती। रानिया मेरे जीते जी तुम ऐसी बात कर सकते हो? तो और क्या कहूँ अम्मी जान, तुम मेरे दुश्मनों से मिल जाओगी। जब अपनों का दिल भर जाए ऐसे फैसले मजबूरी बन जाते। रानिया अबा जी को क्यों परेशान कर रही हो? वो तो पहले ही रोशनी की वजह से काफी डिस्टर्ब है। परेशान ना हो, अकील आता है तो उससे बात करता हूँ। ऐसे खाली बात करने से कुछ नहीं होगा अभी जान, वो एक कान से सुनेंगी और दूसरे से निकाल देंगी। बेहतर है कि आप इसका कोई हल निकालें। तो आपको चक्कर नहीं आ रहे? जी नहीं, अब काफ़ी बेहतर हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए, मैं सर से पूछकर आपको बताती हूँ। वैसे आप बहुत खुश नसीब हैं। खैरियत? आपके शौहर बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, सारी रात आपके लिए परेशान रहे, बार बार डॉक्टर से पूछ रहे थे कि आपको होश क्यों नहीं आ रहा है, अभी भी बाहर कॉरिडोर में बैठे हैं सुबह से। मेरे शौहर? जी वही तो आपको यहाँ लाए थे इमरजेंसी में, वरना खुदा ना खास्ता आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता था। अल्लाह का लख लख शुक्र, छोटे साहब जी घर पर थे, अगर इस वक्त हमारी मदद ना करते तो पता नहीं रोशनी पुत्र की क्या हालत हो जाती। मैं तो जाकर भी छोटे साहब जी का शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। मैंने फैसला कर लिया अभी जान, जब तक मेरे साथ हुई सारी ज्यादतियों की उमानी जान मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रानिया बेटा कैसी बातें कर रही हो? अबा जी इतनी छोटी सी बात पर माफी? नहीं मामा, अबी जान उमानी जान मेरे साथ जो सलूक करती है ना वो मैं ही जानती हूँ, लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मुझे जरा तफसील से बताओ कि कैसा सलूक करती है, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं एक्शन लूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये आपने क्यों तकलीफ की, नसरीन कहाँ हैं? वो जी नसरीन आपा तो अपने काम में लगी हुई थी, मैं खुद बना के लाई हूँ आपके लिए, आप पी के तो देखें ना, बड़ी पसंद आएगी आपको। अरे आप नीचे क्यों बैठ रही हैं, मैंने कितनी दफ़ा मना किया है आपको, आप सुनती नहीं हैं बिल्कुल। वो जी बेगम साहबा इंसान को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, मैं तो जी आपके कदमों में ठीक हूँ। लेकिन इंसान तो सबसे पहली चीज़ है जो औकात भूलता है अपनी। देखिए ना जी बेगम साहबा जी, जो छोटी अकल के लोग होते हैं ना वो जल्दी आप में से बाहर हो जाते हैं, फिर वो रानिया बीबी तो हाल ही बड़ी छोटी है ना। अरे रानिया बीबी का मसला नहीं है सफिया, आपा ने तो उसे तमीज़ सिखाई ही नहीं है बिल्कुल। आप ना जी अपना दिल बुरा ना करें, मैं वड्डी बेगम साहिबा के साथ ना
खुद भी बात करूंगी। अरे नहीं भाई, आप उनसे बात मत कीजिएगा, बात का पतंगड़ बना देंगी फजूल में, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये सब। जी अच्छा, आप नसरीन से कहिएगा कि वो मेरी चीजें समेट के रख देगी जरा। जी जी। रानिया रानिया, तुम क्या करती फिर रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप अपने दिमाग पे इतना जोर क्यों डाल रही हैं मामा? और अगर अब्बा जी ने आयशा से पूछ लिया तो पूछ लें, मैंने कुछ ज्यादा गलत तो नहीं कहा। रानिया, तुम्हें फिर भी ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। जरूरी था मामा, वरना मुमानी जान अगली दफा इससे भी ज्यादा घटिया चाल चलती। ये तुम्हारी भूल है, अगर अब्बा जी ने वो सब कुछ आयशा को कह दिया तो तुम्हारे खिलाफ एक नया मुहाज खड़ा हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगी रानिया तुम्हारे लिए। तो अच्छा है ना, सबको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा झगड़ा रायान से है और तुम सारा गुस्सा आयशा पे निकाल रही हो। मेरे और रायान के बीच में कुछ नहीं है मामा, जो कुछ भी है मुमानी जान की वजह से। ना वो उसे मना करती, ना मैं उमर को कॉल करके बताती। इसीलिए कहती हूँ कि ज्यादा गुस्सा मत किया करो। अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रायान को खड़ा कर दिया तो रानिया मैं कुछ नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए। डोंट वरी मामा, आपकी बेटी अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। और जहां तक बात है रायान की, उसे मैं मना लूंगी। अगर ये सब कुछ तुमने करना था तो पहले ही मान जाती ना बेटा, उसके सामने पहले ही सरेंडर हो जाती। अब इतनी अकड़ दिखा के अपने दुश्मनों को खुश होने का मौका दे दूं? रानिया, आपके शोहर भी आ गए। संभाले अपनी बेगम साहब, काफी देर से काम छोड़ के कंपनी दे रही हूँ उन्हें मैं। कैसी हो रोशनी? क्यों आए हैं आप यहाँ? क्योंकि मेरा हर रास्ता तुम्हारी तरफ आता है। आपने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब आप चले जाइए। कितने आराम से जाने को कह दिया। मेरा शौहर है मेरे पास, मुझे आपकी जरूरत नहीं। वो जबरदस्ती का रिश्ता है रोशनी, मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो। आपसे किसने कह दिया? तुम्हारी आंखों ने, और मेरी आंखों में देखो, जिन्हें किसी तौर चैन नहीं है। अपने दिल का सुकून कहीं और जाके ढूंढिए, यहां आपके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तुम नफरत करती रहो और मैं सब्र करता रहूंगा। आप चले क्यों नहीं जाते रायान? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए खुदा के लिए। एक बार तुम्हें छोड़ा था, और देखो उसका खमियाजा अब भुगत रहा हूं। अब डरता हूं अगर फिर चला गया तो कहीं तो मैं फिर से ना खो दूं। अब मुझे खो चुके हैं रायान, अब आप यहां रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। इन आंखों में अब मेरे लिए अजनबियत है, जिनमें पहले कभी मेरे लिए इंतजार हुआ करता था। वक्त बदल चुका है रायान, और मेरी हैसियत में बेहतर होगा कि आप अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। लेकिन मैं नहीं बदला रोशनी, मैं अब भी वही हूं, ना एक कदम आगे गया हूं ना एक कदम पीछे। आप प्लीज उमर को बुला दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ।
वो अब नहीं आएगा। क्या मतलब? आपने उसे वापस भेज दिया? हाँ, मैंने उसे भेज दिया क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, खुद यही हूं मैं। जारी जिसने रमज इश्क दी, बुल्ले बागो नचे इश्क की बात करूं ना करूं। मेहनत से मैंने लंबे किए थे बात। हालत देखो। क्या हालत है? क्या मतलब रूखे सूखे हैं? छोटी थी ना, कितना अच्छा था, जबान नहीं चलती थी तुम्हारी। कितना मजा आता है आपके हाथों में जादू। पता है आपको? इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, कोई कोई नदों का इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते, जैसे चाहा वैसे ना हुआ। इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना बचपन से ही तुम्हें चाचा जान से हर बात करने का शौक था। मैंने सोचा तुम्हें यहाँ ले आता हूँ, उनसे बात करके अपना दिल हल्का कर। इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। जब जब मुझसे नाराज होती थी, मैं चाचा जान की सिफारिश लेकर तुम्हारे पास आता, तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाती। आप अपने लिए लेके आए हैं यहाँ? नहीं, आज मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि मैं चाह रहा हूँ तुम चाचा जान के साथ उसी तरह बात करो जिस तरह किया करते। शिकायतें लगाती थी मेरी, मुझे बुरा भला कहती थी। मुझे यकीन है कि वो सुन रहे हैं।
यकीनन चाचा जान भी मेरी तरह जानना चाहते होंगे कि ऐसी क्या बात कि उमर के साथ शादी पे इतनी जल्दी राजी हो। मैंने अपने बाबा जान के नाम की लाज के लिए ये शादी की है। मैं नहीं चाहती थी कि लोग कहें वजाहत अली की औलाद नाफरमान निकले। मुझे अपने फैसले पे कोई शर्मिंदगी नहीं। मामा ठीक कहती है, मामानी जान से कुछ बैद नहीं। वो रायहान को मेरे खिलाफ मजीद भड़का दे, इससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, ना करो मेरी कॉल पिक, मुझे भी मनाने के 101 तरीके आते हैं। आना, मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? एक बार पहले ही धुतकारी जा चुकी हूँ, इससे पहले दोबारा धुतकारी जाऊं प्लीज, मुझे यहाँ से वापस ले चले। नहीं रोशनी, इस दरवाजे के बाहर दो आंखें हैं जो हमेशा तुम्हारी मुंतजर रहती हैं। अब यहाँ पे कोई मुंतजर नहीं है मेरा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। इस बात का सबूत है मेरे पास, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत झूठी नहीं होती। ये आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ममता की आंखों में मैंने वो तड़प देखी है। जानती हो उस रात जब तुम हॉस्पिटल में बेखबर लेटी थी, किसका फोन आया था मुझे? रोशनी, मम्मी। माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती रोशनी, माँ तो खुद ही समझ जाती है। तुम ठीक हो? ये क्या हालत बनाई मैंने तुमने? आप ठीक है? अरे चाची जान, सब बातें यहीं करेंगे क्या? अंदर ना चले। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं बहू, इस घर में सफिया या रानिया के साथ कोई ज्यादती हो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन रानिया भी तो कभी कभी हद कर देती है। हाँ तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बहू, मैं उसकी सरजनिश करता, उससे माफी मंगवाता, आइंदा ऐसा न करने का वादा लेता, मैं तो खुद मुकाबला शुरू कर दिया। अब्बा जी, अगर मैंने उसे किसी गलत बात पे टोक दिया तो ये मुकाबला करना तो ना हुआ। है वो, मैंने खुद तुम्हें उस पे चिल्लाते हुए देखा है। ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करूंगी। ठीक है, मैं रानी को बुलाता हूँ, उससे माफी मांगो और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करो। अब्बा जान, मेरा ख्याल इस बात को अब खत्म कर दें, आयशा अब कुछ नहीं कहेगी किसी को। मैं बात खत्म ही कर रहा हूँ। सफिया, बुलाओ रानिया को। अब्बा जी, मैं रानिया से माफी नहीं मांगूंगी। इस मसले को अपनी अना का मसला न बनाओ बहू। छोड़े ना अब्बा जी, मैं तो पहले ही जानती थी
आयशा अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करेगी। आपने बिल्कुल सही समझा था सफिया आपा, क्योंकि मैं अपनी गलती तस्लीम करूंगी, इल्जाम नहीं। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब्बा जी को तुम पर बहुत मान था। अब्बा जी का मान सर आंखों पर, लेकिन मैं उस गलती की ताइद नहीं कर सकती। आयशा बहू, मैं इसे क्या समझूं, अपनी हुक्म दूरी या तुम्हारी हठधर्मी जो तुम यूं मेरा फैसला झुटला के जा रही हो? अब्बा जी, अगर मेरी कोई गलती है तो आप सजा तजवीज कर दीजिए, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं देख लेता हूँ, पहले सब ठीक कर लूँ। अरे वहां कहाँ जा रही हो? अपने घर। तुम चलो मेरे साथ अंदर, बड़े घर में तुम्हारा कमरा सेट करता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्यों खामखास जिद कर रही हो? आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके साथ हवेली चलूं? क्योंकि ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं जिस चीज के काबिल हूं ना राया, मुझे वो मिल चुका है। इसलिए प्लीज अब आप मेरा रास्ता खोटा ना करें। खुदा हाफिज। आपने बुलाया वड्डे साहब जी? हाँ रहमान, आज सुबह घर में क्या हुआ था मुझे जरा तफसील से बताओ। वो जी छोटा मुंह और वड्डी बात, जो कुछ भी हुआ ना वो रानिया बीबी ने किया है, उनकी ज्यादती है। ये तुम क्या कह रही हो रहमान? वो जी अगर मैं झूठ बोलूँ ना जी तो मेरी जबान काट के ना मेरे हाथ में रख दें जी, मैं सच कह रही हूँ। देख लिया अपनी जिद का नतीजा, तुम्हें मना भी किया था कि अब्बा जी को कुछ नहीं बोलना, लेकिन नहीं,
तुम्हें तो आयशा को अपने कदमों में ढेर करना होता है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ इन 25 सालों में आयशा ने अब्बा जी की किसी भी बात से इख्तलाफ किया हो, और अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब्बा जी उस बात की तहकीकात में ना जाए। आप साबित क्या करना चाहती हैं मामा? मैं तुम्हें समझा रही हूं रानिया कि तुम्हारे मुंह में जो भी आता है तुम बोल देती हो, और तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि आयशा रयान की माँ है जिसके पीछे तुम हिलाती फिर रही हो। मामा अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती ना तो कम से कम मुझे ताने भी मत दे। आप ही ऐसे करेंगी तो मैं दुश्मनों से क्या उम्मीद रखूं? तो तुम्हें दुश्मनी पालने की क्या जरूरत है? खामखा में बात का पतंगड़ बना के रखती है। ये मेरा मसला है और मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूंगी। आप प्लीज परेशान मत हो। किसी दिन तुम इस जिद की वजह से ना मुंह की खाओगी। अब्बाजान की हुकुम उदली करके अच्छा नहीं किया। तो क्या करती? उस लड़की के कदमों में गिर जाती? क्या हो जाता अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती तुम? मैं दिल बड़ा करूंगी ताकि उसे और शय मिल जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि छोटी सी लड़की तुम्हें क्यों खटकने लगी है। बेहतर होगा अगर ये बात जाकर आप अपनी भांजी से पूछिए, क्योंकि मैं अगर कुछ भी कहूंगी आप मेरी बात का यकीन तो करने से रहे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अब्बाजान की बात मानो। वो मैं किसी कीमत पे भी नहीं मानूंगी। अगर तुम अब्बाजान की बात नहीं मानोगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।